मैं सीधे माजिद हैदरी के पास चलूंगा। माजिद हैदरी, पीएफआई जैसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्या करना चाहिए आप बताइए, या आप भी उनकी वकालत करेंगे कि यंगस्टर्स देश के साथ जुड़े रहे। भाई पीएफआई की जो और जो भट गए थे उनको वापसी भी दी गई। देखिए देखिए दीपक भाई, पीएफआई की जो विचारधारा है ना, उस विचारधारा से जो राष्ट्रवाद की मधुरता टपकती है, राष्ट्रवाद क्योंकि मधुशाला छोटा शब्द पड़ता है इसकी विचारधारा को समझाने के लिए, राष्ट्रवाद। लेकिन जी बिल्कुल, मेरे कानों ने सही सुना क्या? राष्ट्रवाद टपकता है पीएफआई से, राष्ट्रवाद टपकता है। मैं अभी एक एक करके सुनाता हूँ उनकी बाइट, एक एक करके सुनाता हूँ, रुक जाइए अभी। राष्ट्रवाद टपकाता हूँ मैं उनके मुंह से, अभी टपकाता हूँ राष्ट्रवाद, अभी टपकाता हूँ राष्ट्रवाद। देखें आप तो बात पूरी सुनते नहीं। जनरल बख्शी साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि ये भाजपा वाले भारत से अफगानिस्तान भेजते हैं अजहर मसूद साहब को। मैं तो आज जनरल बख्शी साहब को सैल्यूट करता हूं, इन्हें आज इस मंच पर माना कि भाजपा की सरकार ने अफगानिस्तान भेजा यहां से अजहर मसूद को। इससे बड़ा सैल्यूट क्या हो सकता है कि जनरल बख्शी साहब ने आपके मंच पर बात मानी, कहा भेजा जाता है भारत से अफगानिस्तान, कि इन्हें माना। आज देखिए भाजपा का तो आज एक्सपोज जनरल बख्शी साहब ने किया। पीएफआई राष्ट्रवाद पार्टी है वो पूरा सबको पता है। अब प्रॉब्लम क्या रही है इस देश में, इस देश का मुसलमान टीपू सुल्तान हो या के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी हो, उसका सबसे बड़ा गुनाह उसका धर्म है। एपीजे अब्दुल कलाम का नाम भी ले लेते, उनका नाम नहीं लेंगे आप, क्योंकि वो सही मायने में राष्ट्रवादी मुसलमान थे। एपीजे अब्दुल कलाम का नाम नहीं लेंगे आप उन्हीं लोगों का नाम लेंगे जो देश विरोधी सोच रखते हैं माजी रहदरी। अरे जिस मुसलमान ने इस देश में जबान खोली उसका पावर छीन लिया गया, पहचान छीन ली गई। आमिर खान साहब ने एक दफा कहा कि मुझे डर लगता है इस देश में, उन्हें अतिथि देवो भव से अलग कर दिया। ठीक है, शाहरुख खान साहब ने एक दफा जबान खोली, वानखेड़े स्टेडियम बैन कर दिया। भाई इस देश में जो मुसलमान बात करता है फिर तो पीएफआई भाषण देता है, पीएफआई को तो बैन करने की।